हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो एक्सरसाइज 4.1 में मैंने आपको बता दिया था, 4.1 मैंने कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे, ठीक है। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके जो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। अब रूट्स को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। फैक्टराइजेशन आप जानते हैं अच्छी तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टराइजेशन आपको पता है, ठीक है। अब कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सीधे फैक्टर कीजिए इसका। देखिए, मैंने आपको बताया, आपको पता भी होगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन में अगर दिक्कत होगी तो क्लास 9th में पॉलिनोमियल में मैंने फैक्टराइजेशन का वीडियो बनाया, आप वहां पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे 9th में। ये क्या है, 3 है, तो 3 को हम लिख देंगे 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 5 2 10, यही चेक किया जाता है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 5x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे x माइनस 5 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब x माइनस 5 पूरा बाहर निकालेंगे तो क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 हो गया। तो मैंने आपको बताया था, देखिए दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है ना, तो दोनों को सेपरेटली अलग अलग 0 मान लेते हैं। पहला मानेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। दिस इज द फर्स्ट रूट, ठीक है, या कह सकते हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन इसका, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन होते हैं, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2, दिस इज द सेकेंड सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है, दिस इज द सेकेंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स क्या हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन आप करिएगा। तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये रूट है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, इसका जो हमको सोल्यूशन निकालना है, बात समझ में आ रहा है, इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, जो फैक्टराइजेशन में करते हैं, 5 रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 2 जा कितना हुआ, 10 हुआ। तो अब जो है हमको 7 को दो पार्ट में तोड़ना है, कि जोड़ने पर क्या है, 7 आया, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए, तो पक्की बात है कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये हो गया आपका रूट 2x स्क्वायर, और 7 को लिख दे रहा हूं मैं 5 प्लस 2 इंटू x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया रूट 2x स्क्वायर, ये हो गया आपका 5x, ये हो गया 2x और प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अब कॉमन ले लीजिए, जो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट 2x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x तो कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन है, देखिए ये 5 था ना, ठीक है, 5 हमने लिख दिया, ये 2 है और ये रूट 2 है, ठीक है। तो जब भी 2 है और रूट 2 है तो इसमें से हम रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, तो रूट 2 हमें यहां से कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो मैंने कई बार आपको बताया होगा कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो 2x जैसे 2 है तो 2 में से रूट 2 हम कॉमन ले रहे हैं, तो इसका मतलब 2 में रूट 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 2 में से रूट 2 को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये जो 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, आपको पता होगा रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, अब इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा, रूट 2, तो यहाँ बच जाएगा रूट 2 और ये हो गया एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया, 5 इक्वल टू 0, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसके बाद आप, अब देखिए ये दोनों सेम आ गया ना, ये दोनों सेम आना जरूरी है, तो रूट 2x प्लस 5 ये हो गया एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग 0 के बराबर है, तो पहला क्या होगा, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो रूट 2x इक्वल टू प्लस 5 की तरह का तो क्या हो जाएगा, माइनस 5, तो x इक्वल टू हो गया माइनस 5 अपॉन रूट 2, ठीक
ठीक है, ये पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्या होगा, ये x प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट टू। ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। बस समझ में आया, तो दो सॉल्यूशन आपके निकले, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, तो इसके रूट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा माइनस फाइव रूट टू और दूसरा हो जाएगा माइनस रूट टू। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको क्या करना, हमको सॉल्व करना। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में एट दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, डिनोमिनेटर में एट आया है। तो कभी भी ऐसा अगर कोई आ जाता है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसके लिए तरीका क्या होता, हम करते क्या है, इसे एट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, ये एट यहाँ डिनोमिनेटर में से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, आन मल्टीप्लाइंग बाई एट। ठीक है, तो एट से मल्टीप्लाई किए तो एट टू जा कितनी हो, कितना हो जाएगा, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, और फिर एट में एक्स से मल्टीप्लाई होगा एट, और फिर एट इंटू वन अपान एट इज इक्वल टू जीरो इंटू एट। ठीक है, एट से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस एट एक्स हो गया, और एट से एट कैंसिल हुआ, कितना हुआ, वन इज इक्वल टू जीरो। बात समझ गए। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ पर है क्या, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इसको हम फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज जरा देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं फोर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकते हैं ना, और ये जो वन है इसको वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये जो एट एक्स है इसको मैं लिख सकता हूँ टू इंटू फोर एक्स इंटू वन। देखो फोर एक्स का आप स्क्वायर करो तो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर होगा, टू फोर जाए एट एक्स, एट एक्स में वन से मल्टीप्लाई हुआ एट एक्स, और ये क्या हो गया वन। ठीक है, तो कुछ याद आया, व्हाट इज दिस, ये है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और आप अच्छे बच्चे हो, आप लोग सब जानते होंगे कि व्हाट इज दिस, ये होता क्या है, दिस इज आइडेंटिटी। आप नाइन्थ में पढ़े हैं इसको, नाइन्थ में क्या हो, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए माइनस बी का क्या होता, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो फोर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन अपान फोर, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया वन अपान फोर। ठीक है, अब आप कहोगे कि आप तो बोले थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें दो रूट्स आते हैं, और यहाँ पे आप बोली दे रहे हो यहाँ पे एक ला रहे हो। ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं है, जिसे x इक्वल टू वन अपॉन फोर आया ना, तो इसके रूट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसी को दो बार लिख दिया जाता है, वन बाई फोर वन बाई फोर। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, जिसे फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू मैंने डायरेक्ट जीरो लिख दिया है, जिसे अंडर रूट जीरो जब स्क्वायर हटाते हैं इधर अंडर रूट आता है। ठीक है, तो अंडर रूट जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा। बात समझ गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव इसका है 100x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देखिए ये भी वही है, 10x का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको आप 2 इंटू 10x इंटू 1 लिख सकते हो। बताओ हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर 100, 2 10 जा 20 है, ये 1 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो 10x माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट जीरो, तो कितना हो गया जीरो, तो 10x इज इक्वल टू वन, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपान टेन। तो इसमें भी एक ही आया, तो रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, वन अपान टेन और वन अपान टेन। समझ में आ गई बात, तो फिर इसको आप वीडियो पॉज करिए और इसको प्यार से नोट कर लीजिए। तो एक चीज मैं उसमें बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर वन का जो फाइव था, तो मैंने आपको बताया आंसर तो निकल गया था जो भी था, तो मैंने क्या बताया कि जब भी होल स्क्वायर वाला आता है एक ही आंसर निकलता है, उसको हम दो बार लिख सकते हैं, लिख देते हैं, वही क्या होता है उसके दो रूट्स हो जाते हैं। अब आप लोग एक चीज देखो कि जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जब मैंने बताया था लास्ट वीडियोज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें मैंने एक चीज बताया था नेचर ऑफ रूट्स में, ठीक है, कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब जीरो के बराबर होता तो इक्वल रूट्स होते हैं, बताया था, याद है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें दोनों क्या हुआ था, इक्वल आ रहा था, अब उसको मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ, देखिए वो कंडीशन इसको ये फुलफिल करेगा, इसीलिए मुझे याद, अगर मैं कहा सोचा बता दूं इसको आपको। देखो
इक्वेशन क्या था, 100x² - 20x + 1 = 0, a इक्वल टू कितना हुआ 100, b इक्वल टू -20, c इक्वल टू 1। अब b स्क्वायर माइनस 4 ac आप निकालो तो माइनस बी का स्क्वायर किया तो कितना हुआ 400, और उसके बाद 4a कितना हुआ 100 और 1 ये भी हो गया 400, तो 400 - 400 क्या कितना हुआ 0। ठीक है, इसीलिए जो है इसका दोनों रूट क्या हो रहा था, इक्वल आ रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। अब एग्जांपल में दिया हुआ इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं तीसरे क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर आपको फाइंड करना है कि जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट क्या है 182 है। ठीक है, मतलब 182 या 182 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स, पहला नंबर क्या है एक्स है। ठीक है, अब ये चीज आप सोचो, मैं आपसे कहूं कि दो नंबर का सम 5 है, उसमें से एक नंबर 2 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका होगा 3 होगा। ठीक है, मैं पूछा कैसे आया, तो आप क्या कहोगे 5 में से 2 को माइनस किया। ठीक है, वही चीज देखो, दो नंबर का सम 27 है, उसमें एक आपने x माना, दूसरा क्या होगा 27 में से x हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आया, उसके बाद हमारा क्वेश्चन लग गया। अब इसमें कंडीशन क्या दिया होगा, उनका प्रोडक्ट 182 है, मतलब x में 27 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो अब 27 में x से मल्टीप्लाई किया 27x हुआ, x में x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर हुआ इक्वल टू 182। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस x स्क्वायर को इधर लाया प्लस x स्क्वायर हो गया, प्लस 21x को इधर लाया 27 को लाया माइनस 27x हो गया। ठीक है, इधर के सारे टर्म इस साइड चले गए, इधर क्या बचा 0। ठीक है, अब इसको पलट के लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x + 182 = 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर हो जाएगा, देखो 13 और 14 ऐड करोगे तो कितना होगा 27, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, करके देखो 13 4 = 52 कैरी हुआ 5, 13 5 = 13 कितना हुआ 182। अब उसके बाद अब सॉल्व कर देते हैं इसको, ये 13x हो गया प्लस माइनस मिलकर माइनस 14x हो गया, ये 182 हो गया, यहाँ से x कॉमन लिए तो क्या बचा, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लिए तो x माइनस 13 बचा, यहाँ से 14 कॉमन ले लिए तो ये x, और यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लिए है ना, ये ध्यान देना बच्चों, ये बहुत गलत मिस्टेक होता है आप लोगों से, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 182 में से 14 अगर हमने क्या किया कॉमन लेंगे तो 14 1 = 14 कितना बचा कैरी 4 14 3 = 42 तो ये भी हो गया 13। अब x माइनस 13 x माइनस 13 दोनों जगह इसको कॉमन निकाले तो क्या बचा x माइनस 14 0। ठीक है, तो क्या हो गया x माइनस 13 = 0 तो x इक्वल टू क्या हो गया 13। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, दिस इज फर्स्ट नंबर। ठीक, तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 में से माइनस कर देंगे तो 27 में से 13 को माइनस करोगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा, बात समझ गया है। अब देखो दूसरा क्या है, x माइनस 14 = 0 तो x इक्वल टू 14 तो ये फर्स्ट नंबर हुआ, बोलो तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड वही हो जाएगा 27 में से 14 माइनस करोगे 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, ये दोनों हो सकता है 13 14 भी हो सकता है या 14 और 13 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों आंसर सही है। ठीक, तो नंबर चार मैंने यहां पे लिखा है, नंबर चार 13 और 14। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर हमको फाइंड करने हैं कि जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो क्रम से आते हैं, तो अगर एक नंबर हम x लेंगे तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, लेट द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर आर x एंड x प्लस 1। ठीक है, अब सम ऑफ स्क्वायर 365 दिया है, तो सम ऑफ स्क्वायर मतलब आप x का स्क्वायर और x प्लस 1 दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। अब आप देखिए x स्क्वायर हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे a प्लस b के होल स्क्वायर से तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर 2ab 2 * x * 1 तो कितना हुआ 2x, अब 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 = 365। ठीक है, अब x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x, ये 1 प्लस 365 इधर लाया तो क्या हो गया -365 हो गया। ठीक है, अब देखो 1 में से 365 घटाओगे तो कितना हो जाएगा -364 हो जाएगा, 364 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो बना हुआ है इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन में दो कॉमन है, दो क्या है उसमें कॉमन है। ठीक है, तो दो अगर कॉमन है तो हम इसको दो से डिवाइड कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं कि आई एम डिवाइडिंग बाई टू
तो दो से डिवाइड कर सकते हैं। दो से आप डिवाइड करो तो देखो, दो से इसको डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, और इसमें देखो टू वन जा टू, टू एट जा सिक्सटीन, टू टू जा फोर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फैक्टर करना है तो लास्ट वाला टर्म क्या है, माइनस है, ठीक है। तो जब लास्ट वाला टर्म माइनस होता है तो बीच वाला क्या होता है, माइनस करने पे आता है। यहाँ पे क्या है, वन मान सकते हैं ना, तो वन को दो पार्ट में हम क्या किए, घटाएंगे, ठीक है। तो 14 में से 13 जाएगा वन, और 14 में 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 182। फैक्टर करने में अगर आपको दिक्कत होगी तो पॉलिनोमियल का जो मैंने वीडियो बनाया हो फैक्टर वाला, आप उसी से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल के प्ले लिस्ट में है वो, आप देख सकते हो, उसमें आपसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 14 में एक्स से मल्टीप्लाई होगा 14x, ये हो गया माइनस 13x, ये माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स कॉमन लिए, एक्स प्लस 14 हुआ, ये माइनस 13 कॉमन लिए तो एक्स, अब माइनस देखो कॉमन लिए तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब एक्स प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। तो पहला क्या होगा, एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 14, ठीक है। अब ये देखो एक आंसर ये आया है, लेकिन मैंने इसको लिखा है अनएक्सेप्टेबल, वाई इट इज अनएक्सेप्टेबल। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आंसर आता है तो कोई जरूरी नहीं होता कि वो आंसर एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, मतलब वो स्वीकार्य हो, हम उस आंसर को क्या कर रहे हैं, लिखना कि ये सही है। बिकॉज रीजन क्या है, देखो क्वेश्चन को भी ध्यान से देना था, आप इस क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ये कह रहा है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, और ये क्या आया, निगेटिव आया है, इसलिए हम इसको आंसर नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये अनएक्सेप्टेबल लिख दिया मैंने। दूसरा क्या है, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ, 13, तो एक्स इक्वल टू 13 हो गया। तो नंबर हमने क्या माने थे, एक्स और एक्स प्लस 1 माने थे, तो अगर एक्स इक्वल टू 13 है तो एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14, वो नंबर क्या हो जाएंगे, 13 एंड 14, ठीक है। हम लिख देंगे यहाँ पे नंबर 13 एंड 14, ठीक है। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, क्या कंडीशन है कि इनके स्क्वायर का सम 365 है, तो आप देखो 13 का स्क्वायर करो 169, 14 का स्क्वायर करो 196, दोनों को जोड़ो देखो 365 आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, वीडियो पास करके नोट कर लीजिए आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दिए रहते हैं, इक्वेशन उनका बनाना होता है, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जानते हैं ना, जिसका वेक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अल्टीट्यूड उसका बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड। दोनों आपको साइड क्या करना है, फाइंड करना है। अदर टू साइड का मतलब ये हुआ कि देखो हाइपोटेनस 13 दिया है और ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, तो हमको बेस और अल्टीट्यूड क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज एक्स, हमने बेस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7, इसको एक्स माना, अल्टीट्यूड इसे 7 सेंटीमीटर का, मतलब एक्स माइनस 7। हाइपोटेनस कितना है, 13 है। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये बेस हो गया, ठीक, ये अल्टीट्यूड हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें हमने लगाया, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस क्या हुआ, अल्टीट्यूड का स्क्वायर, मतलब एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एसी हो गया 13, एबी हो गया एक्स माइनस 7 और बीसी हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो 13 का स्क्वायर 169 ये हो गया। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a हो गया x, b हो गया 7, 14x हो गया, 7 का स्क्वायर 49, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। 169 x स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर, ये माइनस 14x हो गया, ये 49 हो गया, ठीक है। अब ये 169 जो है इसको हम उठा करके इधर लेके आए, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 49 हो गया, प्लस 169 इधर आया तो माइनस 169 हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 120, ठीक है। अब वही चीज है जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, आप देखो यहाँ पे दो सब में कॉमन है ना, तो दो से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, तो ये x स्क्वायर हुआ 27 जा 14 और ये 26 जा 12 60 हो गया। अब इसको पलट के लिख दिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, अब इसका फैक्टर करना है, ठीक है। तो लास्ट वाला माइनस है तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5, 12 में से 5 जाएगा 7, 12 5 जाएगा कितना हो गया 60, इसको 12 माइनस 5 मैंने लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस माइनस 60। अब यहाँ से x कॉमन लिए, x माइनस 12 बचा, इन दोनों में 5 कॉमन है तो x, 5 12 60,
तो ये हो गया x माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस फाइव, यहाँ पे x माइनस ट्वेल्व x माइनस ट्वेल्व दोनों जगह कॉमन हुआ तो क्या बचा x प्लस फाइव बचा, तो x माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया, मतलब बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और तो अल्टीट्यूड क्या होगा बेस से 7 सेंटीमीटर कम है तो 12 में से 7 माइनस कर दिए कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा भी एक था x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस फाइव, ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। वाई क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का साइड निगेटिव नहीं होता है, ट्राइंगल का साइड कभी निगेटिव पड़ा हमने कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है 6 वाला, लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज रुपीज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो ये देखा गया है कि एक दिन में वो जितने प्रोडक्ट बनाती है, एक दिन में जितने प्रोडक्ट बनाती है उसका जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के दुगने से 3 रुपया क्या होता है ज्यादा होता है, मतलब वो अगर वो एक दिन में 5 प्रोडक्ट बनाती है तो एक प्रोडक्ट को बनाने का जो कॉस्ट होता है, जो खर्चा आता है उसका, वो क्या होगा 5 के दोगुने से 3 रुपया ज्यादा होगा, तो 5 का दोगुना कितना होगा 10, और 10 और 3 13, मतलब 13 रुपये होगा, ठीक है। तो हमको वही फाइंड करना है कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो देखो मान लो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए डे इज एक्स, ठीक है, मान लो कि आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे, ठीक है, आर एक्स, एक्स आर्टिकल क्या हुआ प्रोड्यूस्ड हुए, अब इनका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि जो आर्टिकल जितने बन रहे हैं उसके दोगुने से, दोगुना क्या हुआ ट्वाइस, 2x हो गया 3 रुपया ज्यादा है, मतलब प्लस 3 कर दिया, बात समझे, इतने बन रहे उसके दोगुने से क्या है 3 रुपया ज्यादा है, ठीक है। अब कह रहा है टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपये है, ये भी दिया है। अब जैसे मान लो मैं कहूं कि आपने 5 प्रोडक्ट बनाया, ठीक, एक दिन में 5 प्रोडक्ट बनाया, एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन क्या रुपए पड़ रहा है 6 रुपए का पड़ रहा है, तो टोटल कास्ट ऑफ कितना होगा, 5 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वही चीज है कि हमने क्या किया, ये तो नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया और ये क्या हो गया कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो एक्स में 2x से मल्टीप्लाई है 2x स्क्वायर, एक्स में 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x इक्वल टू 90, प्लस 90 इधर लाके तो क्या हो जाएगा माइनस 90। अब यहाँ पे देखो इसका फैक्टर करना है, तो 90 और 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 90 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 180, अब ये बचा 3, ठीक है, तो देखो 15 में से 12 जाएगा 3, और 15 में 12 से अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 और 6 कितना हो जाएगा 180, हो गया बराबर ना, तो 12 माइनस 15 कर देंगे, अब 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस